लेकिन कुछ मैं भाई बहुत कम कंट्रोवर्सी में आता हूँ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो खाम खा बार 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 पुश करे जाए और आदमी बोलने पर मजबूर हो जाए। अभी क्या था कि इंस्टाग्राम पे कुछ शादियां ने स्टोरी जो है वो शेयर करी, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक आधी लड़कियां ने भी शेयर करी भाई, बहुत सारी लड़कियां ने भी शेयर करी है, ओबेसी बात है, फैन हुए हैं, जानकार भी होती हैं भाई। तो उसमें से जो है कुछ एक एक बंदा ऐसा है कि वो जो है बार बार गाली गलौच कर रहा है उनको, ये कह रहा है कि इस बंदे की जो है ये स्टोरी हटाओ, डिलीट करो, और भाई क्या नाम है, आपने क्यों किया, वो सारे स्क्रीनशॉट हमने ले लिए हैं। पहली बात तो साइबर ब्रांच में उसकी मैं अपनी तरफ से कंप्लेंट नॉर्मली कराऊंगा, क्योंकि इस तरह से किसी के पीछे पड़ना ठीक नहीं है। मैं तो कभी किसी को कुछ कहता ही नहीं भाई, मैं तो नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और आप लोग इतना प्यार देते हो, अप्रिशिएट करते हो, मैं तो कभी किसी को कुछ कहता ही नहीं। इस तरह की बातें करना इस टाइम पर बहुत गलत है। दूसरी मेन बात यह है, अरे मेरे लिए ना सही, मेरे लिए मत सोचो, कम से कम हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए तो सोच लो, हमने हरियाणवी फिल्म बनाई है, कोई अपने मतलब मेरे लिए मत सोचो, कोई बात नहीं, आप मेरा नाम मेंशन मत करो, मेरा नाम मेंशन मत करवाओ, आप कह दो भाई इस बंदे का नाम हटा दो, बाकी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोजेक्ट से दिक्कत है, आपको उसके हीरो से दिक्कत है, आपके उसके डायरेक्टर से दिक्कत है, वो मैं ही तो हूँ। गलत बात है, इस तरह का किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कभी किसी का अपनी तरफ से किसी के बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी ना, मैं कभी करता। गलत बात है, इस तरह से पीछे पड़ोगे तो अच्छी बात नहीं है भाई, बहुत गलत बात है। आप लोगों का प्यार हमेशा देखने को मिलता है, और यही एक कारण है कि आप लोगों ने, जब मैं लाइव आया तो आप लोगों के प्यार जो है वो वहां देखने को मिला, यूट्यूब पर देखने को मिला, और भाई लोगों का आग लग गई। आग लगने के बाद उन्होंने जो है इंस्टाग्राम पर स्टोरी डिलीट करानी स्टार्ट करा दी, लड़कियों को भी माँ बहन की गाली दी है, लड़कों को भी माँ बहन की गाली दी है, बहुत गलत बात है। हमारे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं सोनू की, उससे सोनू जो राइटर भी है और भाई मेरा जो है प्रोडक्शन का मैनेजर भी है सोनू भाई, सोनू वर्मा से उसकी बहसबाजी भी खूब हुई है, और इंस्टाग्राम पर कॉलिंग पर भी बात हुई है, फिर उसने ठाणा बंद कर दिया। तो बहुत गलत बात है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना। कुछ एक बंदे, कल जब मैं लाइव आया तो मेरे साथी हैं, मैं ये कॉन्ट्रोवर्सी के तहत नहीं कह रहा, ना मैं उनको गलत कह रहा। कुछ साथी कह रहे थे कि भाई आप ड्रिंक कम किया करो, दारू कम पिया करो, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं अब थोड़ा बता दूं भाई, मैं जो है काफ़ी दिनों से सोया नहीं हूँ, और इस वजह से शायद आप लोगों को लगा होगा, बाकी भाई मैं ड्रिंक कभी करता नहीं हूँ, ना मैंने कभी की, आज तक मैंने दारू नहीं पी है, इतना बड़ा हो गया मैं, आज तक ना मैंने कभी बियर पी है, ना मैंने आज तक कभी बीड़ी और सिगरेट पिया है। चाय भी मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन चाय जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है या मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तब मैं चाय पीता हूँ, नहीं तो मैंने चाय भी नहीं पीता भाई। मैं बहुत मतलब मैं बहुत सिंपल सा बंदा हूँ, इस टाइप की कोई चीज़ मैं कभी भी यूज करता नहीं हूँ। और दूसरी एक बात बता दूँ आप लोगों को, हुक्का भी मैं पीता नहीं हूँ, बहुत सिंपल सा बंदा हूँ भाई मैं तो देखिए इस टाइप की चीज़ भी आ करूँ भाई, देख मेरा पणका भी आ लिया यो टाइम पे, ये है खीरे का जूस, खीरा है इसमें, चिया सीड्स है इसमें, और इसमें नींबू है।